आज हम लोग दयानंद एंग्लो वैदिक यानी DAV संस्थान के बारे में कुछ अहम जानकारी एवं इसके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मित्रा स्टडी सेंटर को, और जल्द से जल्द बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। DAV, ये जो नाम है ये 3 अक्षरों से बना है, DA और V, जिसमें D से हमारे दयानंद, A से एंग्लो और V से वैदिक। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर ये संस्थान का नाम पड़ा, इसीलिए दयानंद। एंग्लो यानी इंग्लिश कल्चर जो है, और वैदिक यानी वेदों की शिक्षा जो है वो। तो DAV संस्थान जो है कुल मिलाकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आदर्शों पर चलने का प्रयास करती है। एंग्लो यानी इंग्लिश कल्चर को भी फॉलो किया जाता है एवं साथ साथ हमारे वेदों की जो शिक्षा है उसे भी हम लोग साथ रखने का प्रयास करते हैं। DAV संस्थान का जो स्थापना हुआ था ये सन 1886 में लाहौर, जो कि आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ किया गया था। और इसके पीछे बहुत ही अहम भूमिका रहा स्वामी या महात्मा हंसराज जी का। महात्मा हंसराज जी के गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सन 1886 में हंसराज जी ने ये संस्थान का स्थापना किया लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के यादों पर। आज मौजूदा दौर में ये जो है DAV संस्थान DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के द्वारा चलाई जाती है। DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की भी स्थापना जो है 1 जून सन 1986 को हुआ था और महात्मा हंसराज जी ही इसे किए थे। ये एक गैर सरकारी संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, जिसका है हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर आप कह सकते हैं नई दिल्ली में चित्रगुप्त रोड में स्थित है। अगर देशों की बात की जाए तो प्रमुखतः यह भारत, फिजी, नेपाल, मॉरिशस और सिंगापुर में फैला हुआ है। अगर इस संस्थान की भाषा का बात किया जाए तो प्रमुखतः ये हिंदी और अंग्रेजी एवं जो भी क्षेत्रीय भाषाएँ हैं वो है। आज हमारे इस संस्थान के प्रेसिडेंट है श्री पूनम सूरी जी। और अगर महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात की जाए तो इस संस्थान के साथ जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं महात्मा हंसराज, राय बहादुर लाल चंद जी, भगत ईश्वर दास जी, लाला लाजपत राय जी, लाला द्वारका दास, राय बहादुर दुर्गादास जी। अगर बोर्ड से एफिलिएशन की बात की जाए तो ये CBSE, ICSE एवं विभिन्न क्षेत्रीय बोर्ड्स पर आधारित है। अगर बात किया जाए इसके कर्मचारियों के बारे में, एम्प्लॉयज़ के बारे में, तो DAV संस्थान में आज 1,000,000 से भी ज़्यादा लोग अपनी सेवारत हैं, अपने जो भी है DAV संस्थान में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वेबसाइट की बात की जाए तो www.davcmc.net.in पर आप जाके इसके बारे में चेक कर सकते हैं। तो चलिए और विस्तार से देखते हैं। तो DAV संस्थान जो है इसके अंतर्गत करीब 900 स्कूल आज मौजूद है, जो कि देश विदेश दोनों जगह पर ही हैं। 75 कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज़, महाविद्यालय, उच्च विद्यालय जो है, शिक्षण संस्थान आज मौजूद है। DAV का पूरा नाम जो है ये है दयानंद एंग्लो वैदिक, एवं इसमें बात किया जाए तो जूनियर प्राइमरी लेवल से यानी नर्सरी, LKG, UKG, प्रेप से स्टार्ट करके कक्षा 12वीं तक, एवं साथ साथ विभिन्न डिग्री कॉलेजेस जो कि ग्रेजुएट एवं स्नातक कॉलेज एवं मास्टर डिग्री कॉलेज भी मौजूद है, जहाँ पर आप उच्च शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया कि इसकी स्थापना जो है सन 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज जी द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को याद करते हुए ये शिक्षण संस्थान का स्थापना किया गया। और ये जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट जो है इसके द्वारा संचालित किया जाता है। यह प्रमुखतः जो है CBSE बोर्ड पर ही आधारित है, जो कि दिल्ली बोर्ड है, CBSE न्यू दिल्ली। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में टॉप करते हैं, यानी अव्वल नंबर से पास करते हैं। ये पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है, ये 10 सालों का जो है ये है, जो कि DAV संस्थान से ही जो है अधिक से अधिक बच्चे अव्वल मार्क्स के साथ, अव्वल अंक के साथ उत्तीर्ण होते हैं। इंग्लिश भाषा जो है ये प्रमुखतः इस संस्थान की भाषाओं में से एक है। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत ये भी DAV संस्थान में कंपलसरी यानी पावन लैंग्वेज है, भाषाएं हैं।
ये भाषाएं भी आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उसे भी हम लोग साथ में रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। DAV जो संस्थान है, ये एक गैर सरकारी संस्थान है जिसमें पूरे भारत देश में बहुत ही प्रसिद्ध एवं नामचीन हस्तियों ने इस संस्थान से अपना शिक्षा ग्रहण किया और लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा छात्र हर साल इस शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होते हैं, अपना शिक्षा लाभ करते हैं। सन 2013 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM ने इस संस्थान के 40 विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों में से 40 संस्थानों को एडुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन अपना सहयोग देने के चलते पुरस्कृत किया गया था। बेस्ट चेन ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, ये अवार्ड का नाम था। चलिए इसके बाद कुछ इसके बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो लाला लाजपत राय जी इसके एक संस्थापकों में से एक हैं। सन 1885 में 1885 में प्रथम DAV स्कूल की स्थापना लाहौर में की गई, जो कि बाद में अपग्रेड करके, डेवलप करके, निर्माण करने के बाद उसे DAV कॉलेज में परिवर्तित किया गया, जो कि सन 1986 साल में रजिस्टर्ड हुआ। इसके अलावा भारत में आज DAV संस्थान में DAV यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में मौजूद है, जो कि उच्च शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ DAV वुमेंस कॉलेज यमुनानगर भी उच्च शिक्षा के लिए मौजूद है। अगर इसके अलावा कॉलेजों की बात की जाए तो करीब करीब 75 कॉलेजेस, 75 कॉलेजेस जो कि इंडिया में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम और भी कॉलेजेस की बात किया जाए तो PGDAV कॉलेज दिल्ली, हंसराज कॉलेज दिल्ली, सोहनलाल कॉलेज ऑफ एडुकेशन अंबाला हरियाणा, डॉक्टर गणेश दास DAV कॉलेज ऑफ एडुकेशन फॉर वेमेन करनाल हरियाणा, BN शाह DAV टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गिरिडीह झारखंड, DPB दयानंद कॉलेज ऑफ एडुकेशन सोलापुर महाराष्ट्र, DAV कॉलेज ऑफ एडुकेशन अबोहर पंजाब, DAV कॉलेज ऑफ एडुकेशन फॉर वीमेन आउटसाइड बेरी गेट अमृतसर पंजाब, जियालाल BEd कॉलेज रामगंज बेवर रोड अजमेर राजस्थान, MCM DAV कॉलेज कंगरा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा कुछ लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, जैसे दामिनी गोपाल गोपा भाई DGB दयानंद लॉ कॉलेज सोलापुर महाराष्ट्र, DAV एडवर्डगंज हॉस्पिटल पंजाब, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर पंजाब, महात्मा हंसराज DAV इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जालंधर पंजाब, JN कपूर DAV सेनेटरी डेंटल कॉलेज यमुनानगर हरियाणा, MN DAV डेंटल कॉलेज सोलन हिमाचल प्रदेश, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलेशन यमुनानगर हरियाणा, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलेशन जालंधर पंजाब, KM बिमला मेमोरियल DAV फिजियो सेंटर एंड जिम अमृतसर पंजाब, DAV फार्मेसी कॉलेज महात्मा हंस GT रोड जालंधर सिटी पंजाब। इसके अलावा मैनेजमेंट्स के कई कॉलेजेस हैं, इसमें से प्रमुखतः DAV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फरीदाबाद हरियाणा, DAV सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलप इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट राउरकेला उड़ीसा, DAV स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भुवनेश्वर उड़ीसा, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च पुणे महाराष्ट्र। इसके अलावा कई तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे DAV पॉलीटेक्निक कॉलेज छत्तीसगढ़, DAV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बेतला डाल्टनगंज झारखंड, DAV इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कबीर नगर महात्मा हंस राज मार्ग जालंधर पंजाब, मेहरचंद पॉलीटेक्निक कॉलेज जालंधर, मेहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर पंजाब, दयानंद जूनियर टेक्निकल स्कूल जालंधर पंजाब। इसके अलावा DAV इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर छत्तीसगढ़, DAV ITC नगर जगदलपुर छत्तीसगढ़, DAV दयानंद इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमृतसर पंजाब। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं एडेड स्कूल के बारे में, तो इसमें से 62 यानी 62 एडेड स्कूल जो है पूरे भारतवर्ष में संचालित हैं, जिसमें से प्रमुखतः ये सरकार के साथ कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन के साथ चलती है, जिसमें हरियाणा
हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उड़ीसा और पंजाब ये राज्य शामिल हैं। अनएडेड स्कूल की बात की जाए तो इसमें 800 से भी अधिक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि डीएवी संस्थानों के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि बच्चों के शिक्षण एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अग्रसित हैं। भारत में जैसे कि राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं कई और राज्यों में ये सब स्कूलें संचालित होती हैं। अगर डीएवी संस्थान की बात की जाए जो कि भारत के बाहर मौजूद है, इसमें से फिजी देश में डीएवी कॉलेज बीएटम, डीएवी कॉलेज सुबा, मॉरिशस की बात की जाए तो डीएवी कॉलेज सेंट एंड्री एंड डीएवी कॉलेज पोर्ट लुइस, ये कई कॉलेजेस हैं जो कि प्रमुख विदेश में यानी फॉरेन में सेटल्ड है। स्कूल की बात की जाए तो सिंगापुर में डीएवी हिंदी स्कूल सिंगापुर मौजूद है, नेपाल में डीएवी सुशील केडिया विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल काठमांडू नेपाल में मौजूद है, डीएवी देवराज सेवल देवी हायर सेकेंडरी स्कूल बीरथनगर में मौजूद है। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात की जाए तो दयानंद एंग्लो वैदिक प्राइमरी स्कूल बर्मिंगम में मौजूद है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डीएवी मॉन्टेसरी स्कूल हॉस्टन में मौजूद है जो कि सन 2000 में स्थापना किया गया था। डीएवी संस्थान की आज यदि मौजूदा दौर में बात की जाए तो एक प्रमुख योगदान हमारे शिक्षण क्षेत्र में है। ये संस्थान लगभग आप देख ही चुके हैं 50 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है एवं एक जिम्मेदार एवं दायित्वपूर्ण रूप से जब भी देश को ज़रूरत पड़ा है ये संस्थान भी मदद में आगे आया है। तो चलिए आज यहीं तक था कुछ एक हल्का फुल्का डीएवी संस्थान के बारे में, इतिहास के बारे में। आज आप लोग से यहीं पर विदा लेते हैं, मिलेंगे फिर कुछ एक नए संस्थान के बारे में, नए संस्थान के इतिहास के बारे में, प्रमुखतः वो भी शिक्षण संस्थान से ही जुड़ा हुआ रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एवं फिर से आप लोगों को याद दिला दें कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आप लोगों को और भी किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, हम उस विषय पर फिर आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।